रामपाली कॉन्स्टिट्यूंसी एक बहुत बड़ा लैब जो ख़ास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट में जो केसेस होते हैं उसकी टेस्टिंग के लिए का फाउंडेशन डाला गया है, जिसमें हमारे मुकामी एमएलए साहब जाफर हुसैन साहब और हमारे प्रभाकर साहब जो मुकामी एमएलसी साहब, हमारे कमिश्नर साहब, एडिशनल कमिश्नर साहब, तमाम पुलिस ऑफिसर हैं कि पुलिस को इस लैब की सब ज़रूरत है। ये लैब में जो टेस्टिंग होती है ख़ास तौर से डीएनए टेस्ट हो या किसी किस्म का टेस्ट हो, कि हमारे पुलिस ऑफिसर ने डिटेल में बताया कि किस तरह ये लैब काम कर सकता है और किससे क्या फ़ायदा होगा। इसकी इसमें इसकी कीमत 6 करोड़ रुपये है और 14,000 स्क्वायर फीट पर 4 फ्लोर बनाए जा रहे हैं, जिससे पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा फायदा होगा। क्राइम जितना जल्द हो सके हम आज कर सकते हैं, क्राइम करने वाले हैं। तेलंगाना पुलिस इंडिया में नंबर वन पुलिस की तरह काम करें। तेलंगाना बनने के बाद हमारे पुलिस ऑफिसर सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं अमन के। मैं समझता हूँ, मैं बहुत अप्रिशिएट भी करता हूँ हमारे पुलिस ऑफिसर, जहाँ भी क्राइम होता है जितना जल्दी हमारी पुलिस पकड़ती है उसका इंडिया में उसका एग्जाम्पल कहीं पर नहीं। हमारे पास CCTV कैमरे से जो सारे इंडिया में जितने कैमरे हैं उसका 68% कैमरे हमारी स्टेट के अंदर। और जो आदमी क्राइम करता है, पहले हम सुनते थे कि दुबई में लोग रहते हैं तो वहाँ क्राइम करने वाला बच नहीं सकता, मगर तेलंगाना का स्टेट का वही पोजीशन है, यहाँ क्राइम करने वाला कभी बच नहीं सकता। CCTV कैमरे हैं और क्राइम का इन्वेस्टिगेशन ख़ासतौर से लैब में टेस्टिंग जो होती है उससे बहुत जल्दी उस मुलजिम को पकड़ा जाता है, उसी पर उसे सजा मिलती है। तो आज मैं दिल की गर्व से तमाम हमारे पुलिस ऑफिसर को और ख़ासतौर से हमारे CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत इंकरेज कर रहे हैं। और एक पुलिस डिपार्टमेंट से हर चीज़ का डेवलपमेंट आता है। अगर आपके घर में पीस हो तो घर में आपका डेवलपमेंट आता सुकून है, स्टेट में अगर पीस हो तो स्टेट का भी डेवलपमेंट आता है। हमारे पास जो इंडस्ट्रीज आ रहे हैं बहुत तेज़ी से हमारे स्टेट का ग्रोथ हो रहा है, उसका सबसे अहम हमारा पुलिस डिपार्टमेंट होता है जो अमन काम कर रहा है। उसके लिए मैं DG साहब को, कमिश्नर साहब को और उनकी तमाम टीम को दिल की गर्व से मुबारकबाद देता हूँ। इसी तरह हम और आगे जो भी जैसा जैसा एडवांस टाइम आगे बढ़ा है उसी तरह नई नई टेक्नोलॉजीज लोग क्राइम कर रहे हैं, उसी तरह हमें नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए क्राइम को कंट्रोल करना चाहिए। ज़रूर हमारी पुलिस हर शोबे में सक्सेस रहेगी और बहुत अच्छा काम। गांजे के तो बोले गांजे का बार बार बोलने की जरूरत नहीं।